हेलो गाइस तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं ओके सो फर्स्ट कार्ड इज वाइज वुमेन ऑफ वंडरलैंड एंड सेकंड कार्ड से देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स है दस वन क्वीन ओ वाओ थर्टीन एंड ट्वेंटी वन नंबर कैन बी इम्पोर्टेंट थ्री एंड फोर कैन बी इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये आपका जो फीलिंग्स है इस इंसान के लिए वो है कि आप किसी भी हालत में इस इंसान को अपने जिंदगी से अलग नहीं कर सकते बिकॉज यू आर टू मच ऑनेस्ट ठीक है यू आर टू मच यू कैन से दैट इंटेलिजेंट यू आर टू मच यू कैन से डेडिकेटेड टू दिस रिलेशनशिप आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड है बहुत ज्यादा आप डीपली फील करते हैं और आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बदलाव बदलाव नॉट बदला, बदलाव चाहते हैं एंड डेफिनेटली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो uh, बहुत ज्यादा धैर्य रखे हैं, बहुत ज्यादा धीरज रखे हैं। इस रिलेशनशिप को भले ही कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ आपका कोई भी कांटेक्ट नहीं है या एंड हो चुका है रिलेशनशिप लेकिन फिर भी ये टूट नहीं गए है ये अभी भी भरोसा रखे है द स्वान ऑफकोर्स द कलर इज वाइट सो इस रिलेशनशिप में शांति का कामना ये जरूर करते हैं आपके पर्सन हो सकता है देखो यहाँ पे क्या है एवरग्रीन ट्रीज है लेकिन उसमें बर्फ आ चुका है तो वाइट हो गया है सब कुछ सो so, ये इंसान जो है इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए ही देख रहे हैं एंड uh, कुछ लोग आपके पर्सन डस डस्की या एवरेज वटिश कम्पलेक्शन हो सकते हैं बहुत ब्यूटिफुल लुक्स हो सकता है उनका चाहे वो मेल हो या फीमेल हो बहुत सेक्शुअली ये इंसान अट्रैक्टिव हो सकता है एंड यहाँ पे देखो दो जैसे हम का जोड़ा है यहाँ पे तो डेफिनेटली ये चाहते हैं टू बी इन कपल रिलेशनशिप नॉट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम यू भले ही एंड हो चुका है कुछ लोगों के लिए बट ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं जस्ट लाइक द डेथ कार्ड ओवर हियर सो वाइस वुमेन ऑफ वंडरलैंड जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपकी कोशिश हमेशा रहता है उनके साथ आ, मीठा समय बिताए आप उनके साथ एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड यू आर वेरी क्यूरियस अब बहुत स्वीट हो अब बहुत ज्यादा इवन uh, आपकी जो भी उम्र है आप उस उम्र में ही बहुत ज्यादा क्यूट हो एंड वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप उनको अपना ही जीवन साथी मानते हो और कुछ लोगों के लिए हुए भी ये इंसान बट आप इनको ना एक बार अगर ये आपकी जिंदगी में आए ना तो आपकी जिंदगी जैसे शानदार हो जाती है So, this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity terror six but truth always exposes darkness. Thank you guys and love you a lot. And take care of yourself. Bye.